आज हम समझेंगे टमाटर के पौधों की बंधाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो पहली चीज़ है वो है बांस, ये आपको लगभग 7 फीट के बांस लेना है। दूसरा है तार, तार जो कि आपको 16 mm के तार लेना है, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि इसमें वजन आता है। तीसरा सामग्री जो है सुतली, जो कि आपको पौधे से बांधना है। तो ये थी मुख्य सामग्री जिनकी आपको आवश्यकता होगी, जो आपको लेना है। सबसे पहले आप 8-8 फीट की दूरी पर ये मोटे फिट जो बांस मैंने लगाए हैं और इनको आपको लगाना है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे खेत में मैंने ये बांस लगाए हुए हैं, आप पूरे खेत में वहाँ तक देख सकते हैं, जो कि 8-8 फीट की दूरी पर मैंने बांस लगा दिए हैं। इसके पश्चात आप तिरछी करके बांस की खूंटियाँ लगा दें। ये आप देख रहे हैं मैंने अपने खेत में बांस के पास में ये खूंटियाँ लगाई हुई हैं तिरछी करके। ये खूंटियाँ बांस को मजबूती प्रदान करती है, जब हवा चलेगी या फल का जो इसमें पौधों में फल आएगा उसका जो वजन आएगा तो बांस को रोकने में मुख्य रोल खूंटियों का रहेगा। इस तरह से मैंने खेत के जो लाइन मेरी शुरू होती है आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक मैंने पूरे खेत में बांस के पास में खूंटियाँ लगाई हुई हैं। ये खूंटियाँ पूरे इन तार से हम इनको जोड़ देंगे बांस के साथ में, तो ये पूरे बांस को मजबूती प्रदान करने देगी। कितनी भी हवा आ जाए, बरसात आ जाए या फल का कितना भी वजन आ जाए तो उससे आपकी पौधों की लाइन गिरेगी नहीं। इसके पश्चात में आपने जो बांस लगाए हैं उनके ऊपर 3 तार बांधें। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने पहला तार लगाया है लगभग 2 फीट की हाइट पे, उसके ऊपर 1 फीट ऊपर लगभग 1.25 फीट ऊपर दूसरा तार लगाया है, और आखिरी में जो मैंने 5.5 फीट के आसपास में ये तीसरा तार लगाया हुआ है। तो क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने लंबी हाइट वाली वेराइटी लगाई है मेरे खेत में। आप अपने खेत में अगर छोटी हाइट वाली फसल लगाते हैं टमाटर की तो आप 2 तार भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी हाइट इतनी नहीं जाती है। इस तरह से आप अपने पूरे खेत में ये इनको तार को लगा लीजिए। इसके पश्चात आपने जो तार लगा लिए हैं उसके पश्चात आपको सुतली से पौधों को बांधना है पहले तार के ऊपर, क्योंकि आपके ये पौधे रोपाई किए हुए लगभग 30 दिन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5 फीट की हाइट पौधों की हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये गोल गांठ इनके ऊपर लगानी है, ये अभी आपने देखी है, और इसको ऊपर भी जहां आप तार पे बांध रहे हैं वहां पर भी ये गोल गांठ लगानी है, जिसे हम सरफुंदा भी कह सकते हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे ये इतना गैप रहा हुआ कि जो टमाटर का तना है वो मोटा भी यदि होता है तो उस पर गठान नहीं पड़ेगी और उस पौधे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको पहले तार पर बांधना है, और आगे जब आपका पौधा लगभग 1.5 माह का हो जाएगा तब आपको दूसरे तार के ऊपर बांधना है, और फिर आपको जब आपका पौधा और बड़ा हो जाएगा तो आपको तीसरे तार के ऊपर बांधना है। जो आप यहाँ पर 3 तार इसमें देख पा रहे हैं ये है पहला तार, दूसरा तार और तीसरा तार। तो इस तरह से ये पूरे 3 तार ऊपर के बन जाएंगे, और इन 3 तार को आपको यहाँ खूंटियों से बांध देना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये खूंटियाँ इनको मजबूती प्रदान करेंगी। तो दोस्तों ये थी टमाटर की फसल की बंधाई की जानकारी। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले अगले वीडियो में टमाटर की संपूर्ण फसल की जानकारी, कितनी लागत, क्या फ़ायदा होगा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में और तमाम सब्जियों की फसलों की जानकारी देता रहूँगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।